मैं जो लिख रहा हूँ क्यों लिख रहा हूँ इसका कारण ढूंढते ढूंढते मैं आप तक पहुँच जाता हूँ। लिखना जुड़ने के लिए होता है, जुड़ना अंततो गत्वा अपने आप से ही है, पर स्वयं तक पहुँचने की यात्रा सारे जगत से होकर ही पूरी होती है। जगत को अपनाने की ललक के लिए ही शब्द उतरते हैं, अपनापन बांटने के लिए हम सबका ढंग अलग, हमारे शब्द अलग सही, पर मनुष्य होने के मूल में ही अपनापन है। स्थूल और सूक्ष्म दोनों स्तरों पर सृजन के लिए सामिप्य आवश्यक है। सामिप्य की सुंदरता उजागर करने वाले आत्मीय बोध का नाम ही अपनापन है। इस अपनेपन का आधार लेते हुए हम अपने आंतरिक जगत को परिष्कृत करते हुए जगत में आत्मीयता के गौरव का प्रसार करें। यही मंगल कामना भारतीय ऋषियों की मेधा से पीढ़ी दर पीढ़ी हमें एक शाश्वत उपहार की तरह प्रसाद रूप में प्राप्त हुई है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों ये प्रार्थना है। सिर्फ मैं सुखी हूँ ये प्रार्थना इसलिए नहीं है क्योंकि संकीर्णता और क्षुद्रता के साथ सुखी होने की संभावना ही नहीं है। सर्वे संतु निरामया, सब निरोगी हों, सब स्वस्थ हों, इस प्रार्थना में अपने साथ साथ अन्य प्राणियों, जीव जंतुओं और वनस्पतियों के प्रति संवेदनशील होने का भाव है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब सबके कल्याण के लिए सोचें, अच्छा सोचें, सकारात्मक चिंतन हो, मां कश्चित दुख भाद भवेत। इसका ठीक ठीक अर्थ न जानते हुए मेरी समझ में इसका अर्थ ये रहा है कि प्रार्थना है कोई भी दुखी ना हो, व्यथित ना हो। बरसों पहले इस प्रार्थना के संदर्भ में मैं सोचता था ये तो व्यावहारिक प्रार्थना नहीं, ये तो संभव ही नहीं, पर अनुभव और आशीष तथा अनुग्रह से अब लगता है इस प्रार्थना में असीम का आलिंगन करने की प्रेरणा है और हमें परम विस्तार देने वाला आदर्श है जो जीवन के संपूर्ण वैभव को प्रकट करता है। भारतीय ऋषियों की असीम अनुकंपा को नमन करते हुए आपको नमन, अभिनंदन।